नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, दमोह से बड़ी खबर। पाइपलाइन फूटने के बाद रोड पर 50 फीट तक पानी का फव्वारा उठता रहा और नोहटा थाना इलाके की घटना, सतधरू परियोजना का पाइपलाइन फूट जाने के बाद पानी काफी देर तक बहता रहा। हाई टेंशन लाइन तक उसकी जो धार है वो जा रही थी और हाई टेंशन लाइन को फव्वारा छूता रहा। तस्वीरें आपको दिखा दें, दमोह से सामने आई ये तस्वीरें। बाद में प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, सूचना के बाद मौके पर कर्मचारी पहुंचे और इस पाइपलाइन को दुरुस्त किया गया। दरअसल खुदाई के दौरान पाइप में छेद हो गया था और जब पानी की सप्लाई शुरू की गई तब पानी की फव्वारे से आसपास के लोगों को परेशानी होने लगी, चूंकि ये पानी हाई टेंशन लाइन को छूता हुआ एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा था और दूसरी तरफ इसका जो पानी है वो सड़क पर गिर रहा था। तो ऐसे में आवाजाही में खासी परेशानी लोगों को होने लगी और इसके बाद मौके पर प्रशासनिक कर्मचारियों को भेजा गया, अधिकारियों को भेजा गया जिन्होंने इसे दुरुस्त करवाया। और बढ़ते आगे, भोपाल में नगर निगम की गाड़ी से फिर डीजल चोरी का मामला। दरअसल डीजल चोरी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो की बात करें तो नगर निगम की गाड़ी से आसानी से डीजल चोरी करते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। पहले भी डीजल चोरी का वीडियो सामने आ चुका है। दरअसल डीजल चोरी से निगम को लाखों का चूना लगाया जाता है और उसका अब एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी सामने आ गया है। डीजल चोरी कर लाखों का चूना लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जिसमें नगर निगम की गाड़ी से डीजल की चोरी कर नगर निगम की जेब काटी जा रही है, प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है। दमोह में एक स्कूल के ड्रेस कोड को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं। नारेबाजी कर रहे ये लोग हिंदू संगठन से जुड़े हैं। गंगा जमुना स्कूल के ड्रेस पर इन लोगों ने आपत्ति जताई और इसे लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला तब सामने आया जब स्कूल ने एक पोस्टर लगाया। पोस्टर में हिंदू लड़कियों ने हिजाब पहना हुआ था। वह हिंदू संगठनों का कहना है कि सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल धर्म विशेष को ही अपना ड्रेस कोड बना दिया, जो नियमों का उल्लंघन है। देखे तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि तीन प्रकार की संस्थाएं होती है, शिक्षा संस्थान, तीसरी शिक्षा संस्थान होती है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, वहाँ धार्मिक शिक्षा अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई धार्मिक शिक्षा दे रहा है और अगर किसी स्कूल की ड्रेस, मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता किसी को धार्मिक आचरण करने के लिए, लेकिन अगर आप बताओ जैसे पुलिस है तो पुलिस की प्रॉपर ड्रेस है, वो उसकी बाध्यता है। अगर किसी स्कूल में किसी को ड्रेस कोड बना दिया जाएगा तो क्या वो बाध्यता नहीं है? ये सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन है। उधर मामले के सामने आने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं। उसकी जांच कराई है, प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है, जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बच्ची ने धार्मिक शिक्षा दिए जाने से इनकार किया, साथ ही स्कार्फ पहनने का दबाव से भी मना किया है। हमारा एक स्कूल का ये ड्रेस कोड है, सलवार सूट और स्कार्फ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला गया कि आप लगाओ या फिर ये, हमसे कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि आप लगाइए या फिर नहीं लगाइए, ना ही हमें किसी धर्म के बारे में कुछ भी बताया जाता है। स्कूल के ड्रेस कोड को लेकर खड़े हुए विवाद की जाँच जिला प्रशासन कर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द स्कूल का पूरा सच सामने आ जाएगा। और दमोह हिजाब मामले में जांच समिति गठित कर दी गई है। दरअसल हिजाब मामले में कलेक्टर ने एक जांच समिति का गठन किया जिसमें तहसीलदार, डीसीपी और नगर पालिका सीएमओ इसकी जांच करेंगे और जांच के बाद तथ्यों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर जो जांच होगी उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे कदम उठाया जाएगा। जी, कल सोशल मीडिया से हम लोग को संज्ञान में आया कि पोस्टर सामने आया जो वायरल हो रहा था,
जिसकी तुरंत हम लोगों ने जांच जिला शिक्षा अधिकारी एवं कोतवाली प्रभारी से कराई। नहीं, इसमें प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने इस चीज़ की जांच करी थी कि किसी बच्चे को या अभिभावक को कोई प्रेशर देकर या कोई कपड़ा का पहनाया गया, ऐसा तो नहीं है। तो उसमें जो प्रारंभिक रूप से जो चीज़ तथ्य हमारे पास सामने आए हैं उसमें यही सामने आया कि किसी को फोर्स नहीं किया गया है। दो तीन आज हम लोग को एक ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है, उस ज्ञापन की जांच करने के लिए हम लोगों ने एक टीम गठित कर दी है जिसमें तहसीलदार के अध्यक्षता में DPC और CMO नगर पालिका रहेंगे और माननीय गृह मंत्री जी का भी मैंने बयान देखा है। माननीय मंत्री जी ने भी SP साहब को आदेश किया है इसकी जांच हेतु, तो उसमें SP साहब मुझे लगता है उसमें पूरी जांच करवाएंगे अलग। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी आशीष जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी क्या इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई है तो तथ्य सामने आए। आशीष, क्या अपडेट मिल पा रहा है, जांच शुरू हो चुकी है? अनिश्चित, जो हिजाब का मामला दमोह में सामने आया, गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो पोस्टर जारी किया गया था, रिजल्ट को लेकर के जो पोस्टर जारी हुआ था उसको लेकर के लगातार वीडियो जो पोस्टर वायरल हुआ और वायरल होने के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर बयान दिया और बयान दिए जाने के बाद अब शाम को जब हम कलेक्टर से मुखातिब हुए तो उनका कहना था कि इस मामले पर एक जांच समिति का गठन किया गया है जिसमें तहसीलदार की अध्यक्षता में जो DCP हैं और नगर पालिका के CMO हैं उनके द्वारा इस मामले पर जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इसके पहले भी एक जांच जिला शिक्षा अधिकारी और कोतवाली प्रभारी के माध्यम से की गई थी जिसमें किसी भी तरह की कोई भी आपत्तिजनक चीजें नहीं पाई गई थी, लेकिन एक बार फिर जब जांच के आदेश गृहमंत्री के द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए तो इस मामले पर एक टीम का गठन किया गया। हालांकि दोपहर में हिंदू संगठनों के द्वारा एक ज्ञापन भी जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके दिया गया था और इसी ज्ञापन को मामले में जांच के लिए इस टीम का गठन किया गया है और इस टीम के गठन के साथ ही जिस तरह की बातें सामने आएंगी, जो बातें इस मामले में सामने आएंगी उसको लेकर के कार्रवाई की जाएगी, यह कहना है दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल का। और ये जो अभी की परिस्थितियां हैं इसको लेकर अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें स्कूल की तरफ से कोई बात आशीष सामने नहीं आई है और अभी की इन बातों को लेकर जिस तरह के अब सियासत में भी अब बयानबाजी शुरू हो गई, गृहमंत्री ने अलग इस पूरे मामले पर स्पष्ट किया कि सख्ती दिखाई जाएगी आगे। अनिश्चित, इसमें जो स्कूल का प्रबंधन है उनके डायरेक्टर से हमने मुलाकात की है, उनसे बातचीत भी की है, तो उनका कहना है कि हमारा ड्रेस कोड है और यह कोई हिजाब नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना था कि यह एक स्कार्फ जैसा चीज है जिसको लगाना किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं किया जाता, जो भी बेटियां लगा करके आती है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, और नहीं लगा के आती तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी की बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे में किसी पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता। उनका कहना है कि यह हिजाब नहीं है, स्कार्फ है और यह उनका ड्रेस कोड है जो बहुत पहले से लागू है। हालांकि फोटो वायरल होने के बाद यह पूरा विवाद सामने आया, डायरेक्टर की बातचीत में, डायरेक्टर से जब हमने बातचीत की, दो डायरेक्टरों से हमने बातचीत की थी और उनसे इस तरह की बातचीत सामने आने के बाद उन्होंने यह सफाई इस मामले पर दी है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, महाकाल लोक में मूर्तियों के आंधी में टूट जाने को लेकर सियासत जारी है। दिग्विजय सिंह ने महाकाल लोक के निर्माण करने वाले ठेकेदार की गिरफ्तारी की मांग की है, वहीं BJP ने कांग्रेस पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की मूर्ति गिरने पर सियासत लगातार जारी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण करने वाले गुजरात के ठेकेदार की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ठेका मंजूर करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हवा के झोंके से जो सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां गिरी हैं, इसकी पूरी जवाबदारी ठेकेदार के साथ साथ उन सारे अधिकारियों की है जिन्होंने ठेका मंजूर किया, और उस ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया जाने की आवश्यकता है। उधर दिग्विजय के आरोपों पर भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया और कांग्रेस पर धर्म के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए। किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है। अगर कांग्रेस के पास कोई प्रमाण है
तो वो एफिडेविट के साथ सरकार को दें, सरकार को तो कुछ दे नहीं रहे हैं, वो सिर्फ मीडिया में बात कर रहे हैं और इससे साफ है कि वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। महाकाल लोक में आंधी से खंडित हुई प्रतिमाओं को लेकर सरकार ने कमिश्नर से जांच कराई थी, मूर्तियों को तुरंत स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन इस मामले पर सियासत जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल और सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। भोपाल में उन्होंने गौरव मैराथन को हरी झंडी दिखाई, वहीं सीहोर के सलकनपुर में देवी लोक की आधारशिला रखी। भोपाल में आज से गौरव दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सीएम ने गौरव मैराथन को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने इस दौरान कहा कि भोपाल ऐतिहासिक शहर है, ऐसे में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भी सभी योगदान दें। भोपाल के गौरव दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। ये राजा भोज का शहर है, ये रानी कमलापति का शहर है, ये आप सबका शहर है। आइए भोपाल को और स्वच्छ भी बनाए, सुंदर भी बनाए और अपने कामों से भोपाल का गौरव बढ़ाए। डमरू बजाते और भक्ति रस में डूबे सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये रूप शायद ही किसी ने देखा होगा। तस्वीरें सीहोर के सलकनपुर के विजयासन देवी धाम की हैं। सीएम पत्नी के साथ यहां रथ पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने स्वागत किया। सीएम ने कन्या पूजन किया, साथ ही मंत्रोच्चार के साथ देवी लोक की आधारशिला रखी। विजयासन देवी धाम में 211 करोड़ 37 लाख की लागत से देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने संतों पर पुष्प वर्षा कर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम ने कहा कि देवी की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। देवी का रूप यह हमारे यहाँ कहा गया है, अपने यहाँ कहा गया है, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान कहाँ रहेंगे, मैया कहाँ कृपा की वर्षा करेगी, जहां माँ बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वही मां निवास करेगी। और इसलिए तो मैया हमने लाडली लक्ष्मी योजना आपकी कृपा से बनाई, क्योंकि बेटियां मेरी देवियां हैं। देवियां देवी लोक में देवी के 9 रूपों और 64 योगिनी के शास्त्रों में वर्णित कथाओं के साथ ही आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्यटन आधारित गतिविधियों का भी विस्तार किया जाएगा। और इंदौर में वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह के एमपी में दौरे को लेकर बोले कि वे तो चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में और दौरा करें, जिसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कमलनाथ को सबसे बड़ा कमीशन खोर बता दिया। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। वहीं जेपी धनोपिया ने इस पूरे मामले पर पलटवार किया और जेपी धनोपिया ने कहा कि जिसने कमीशन लिया होगा उसी को पता होगा। कांग्रेस को डूबता जहाज कहने पर धनोपिया ने कहा कि बीजेपी नेताओं की अब चला चली की बेला है। और घूमे अच्छी बात है, मैं तो ऐसा मानता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विकास के मुद्दे पर, विकास हमारा सबसे बड़ा मॉडल है, ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वालों से काम नहीं चलेगा। हम विकास के आधार पर, जनता हम पर विश्वास करती है, हम उसके आधार पर जाएंगे। और जो मैंने कहा माननीय मोदी जी और हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने जो काम किए, इन काम की ताकत के आधार पर जाएंगे, हमें किसी की चिंता नहीं। अरे फायदा किसके उससे होता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीडी शर्मा अपने आप को संभालेगा, वो कहाँ खड़े हुए, उनकी खुद की हालत कितनी खराब है। 4 दिन पहले से उनका ग्रोथ चलना शुरू हुआ था, उनके बारे में पता नहीं कहाँ फोटो और क्या क्या चीज छपी थी, वो सबसे बचने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश में चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों चला चलेगी बेला में, और 4 महीने बाद तो फिर सरकारी चला चलेगी बेला में रहेगी। और एमपी सरकार ने एक बार फिर 2000 करोड़ का कर्ज लिया। सरकार ने आरबीआई से 10 साल के लिए यह कर्ज लिया है। 31 मई 2033 तक सरकार को यह कर्ज चुकाना होगा। सरकार पर अब 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया। इसको लेकर वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है।
तीन शहरों से आग से बर्बादी की खबरें सामने आई। भोपाल के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी और इस वजह से गोदाम में सारा फर्नीचर जलकर राख हो गया। मिसरोद थाना इलाके के सलैया की यह घटना, बाद में दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। उज्जैन में एक स्कूल के स्टोर रूम में आग लग गई। गनीमत यह रही कि घटना के वक्त स्कूल का स्टाफ ही वहां पर था, बच्चे नहीं थे, और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। स्टोर रूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जबकि हरदा के नौसर गांव में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई और इसमें चार लोग जिंदा जल गए। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना में 24 साल के इंदौर निवासी युवती ने अपने दोस्त पर दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित छात्रा ने पुलिस को यह बताया कि ग्वालियर के मयंक नाम के एक शख्स से उसकी दोस्ती हुई। उसने छात्रा से शादी का वादा किया था और आरोपी युवक ने 28 जनवरी को अलकापुरी स्थित अपने कमरे पर उसे बुलाया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब छात्रा ने मयंक पर शादी का दबाव डाला तो वो शादी से मुकर गया। पुलिस ने आरोपी मयंक के खिलाफ दुष्कर्म और धमकाने का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। पंजीबद्ध किया गया है दुष्कर्म का और इसकी जो फरियादियाँ हैं वो इंदौर की रहने वाली हैं। फरियादी के द्वारा बताया गया कि पिछले 6 महीने से उसकी यहाँ पर एक युवक से दोस्ती थी और वो उसको लगातार आती जाती रहती थी। युवक द्वारा उसके शादी का प्रलोभन। इंदौर के आजाद नगर इलाके में एक लड़की के पैर में गोली लगने का मामला सुलझा लिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लड़की के पैर में गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया उस पर, और लड़की के पैर में गोली मारे जाने की तस्वीर सामने आई है। परिवार वालों का कहना है कि लड़की ने खुद अपने पैर में गोली मारी और थाने पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि आरोपी लड़के ने लड़की को 5,000 रुपए मोबाइल रिपेयर कराने के लिए दिए थे। जब लड़के ने पैसे मांगे तो विवाद हो गया और इसके बाद उसने गोली चला दी। नरसिंहपुर के खरेली थाने में उस वक्त आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा जब लोगों को पता चला कि 24 साल बाद भगवान राम से मिलने उनके छोटे भाई लक्ष्मण लौट रहे हैं। दरअसल करपगांव के राम मंदिर से 24 साल पहले राम दरबार से भगवान लक्ष्मण की अष्टधातु की बेशकीमती प्रतिमा चोरी हो गई थी। काफी तलाशी जाने के बाद मूर्ति नहीं मिली और पिछले 24 साल से राम दरबार में प्रभु लक्ष्मण के बिना ही पूजा होती रही। लेकिन कुछ दिनों पहले जब लोगों को भनक के लगे अष्टधातु की प्रतिमा उमरिया जिले के चंदिया थाने में मालखाने में रखी हुई है तो कागजी कार्रवाई के बाद भगवान लक्ष्मण को ससम्मान वापस लाया। और अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में एक्टर विकी कौशल और एक्ट्रेस सारा अली खान इंदौर पहुंचे और इस दौरान विकी और सारा अली खान ने मशहूर 56 दुकान पर जायकों का जमकर लुत्फ उठाया। विकी कौशल को यहां इंदौर का पोहा जलेबी काफी पसंद आया तो वहीं सारा अली खान ने इंदौर की चाट पकौड़ी और मशहूर जॉनी हॉट डॉग का स्वाद लिया। दोनों कलाकार मधुरम स्वीट्स पर पहुंचे जहां उन्होंने पानी पूरी और दही चाट का स्वाद लिया। सारा अली खान और विकी कौशल फिल्म के गानों पर झूमते भी नजर आए। उन्होंने 56 दुकान पर जमकर डांस किया। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। 2 जून को इंदौर आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। सीएम शिवराज देंगे रात्रि भोज, उज्जैन भी जाएंगे, पुष्प कमल दहल। भोपाल में 6 IAS अधिकारियों के तबादले, जॉन किंग्सली बने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सचिव। दमोह हिजाब मामले में जांच समिति का गठन, तहसीलदार डीसीपी और नगर पालिका सीएमओ करेंगे जांच। सलकनपुर में महाकाल लोक की तरह बनेगा भव्य देवी लोक का सीएम शिवराज ने किया भूमि पूजन। चुनावी साल में जुबानें जंग तेज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर प्रहार, दिग्विजय सिंह को बताया मिस्टर बंटा था। वीडी शर्मा के कमलनाथ वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया का बयान, कहा कमीशन लिया जिन्होंने उन्हें ही होगी इसकी जानकारी। महाकाल लोक में मूर्तियां टूटने पर सियासत जारी, मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस एफिडेविट पर लिखित में दे, कहां हुआ भ्रष्टाचार, जांच को तैयार। द
दमोह में पाइपलाइन फूटी, 50 फीट तक उठा पानी का फव्वारा, हजारों लीटर पानी बर्बाद। भोपाल में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, फर्नीचर जलकर राख। धार में ढाबे पर रखा केमिकल में लगी आग, अवैध रूप से ढाबे में रखा था केमिकल, ढाबा जलकर राख। बुरहानपुर में कलियुगी बेटे की करतूत, खाना बनाने की बात पर बेटे ने मां की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। सिंगरौली में रफ्तार का कहर, बस और ऑटो में भीषण टक्कर, दो की मौत, ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल। हरदा के नौसर गांव में पेड़ से टकराई कार में लगी आग, कार सवार चार लोग जिंदा जले, टायर फटने से अनियंत्रित हुई कार, मृतक बरकला चार खेड़ा के रहने वाले थे। खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।